Hello friends, subscribe Techie Prabhat and press bell icon for latest video notification. Hello friends, welcome to Techie Prabhat. आज हम सीखेंगे कि अगर कोई भी फाइल मेरा गलती से डिलीट हो गया है परमानेंटली तो उसे कैसे रिकवर करेंगे, तो आइए सीखते हैं. उसके लिए क्या करना है, पहले कि एक सॉफ्टवेयर आता है जो फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है RECUVA रिक्यूवा. इसे गूगल में आप सर्च कीजिए. गूगल में सर्च करेंगे RECUVA रिक्यूवा सर्च करेंगे, वहाँ पे ये बहुत सारा लिस्ट आ गया. इसमें से सबसे अच्छा क्या होता है, फाइल हिप्पो, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ गया डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इस पर क्लिक कर देना है. ठीक है, यहाँ पे अब आ गया सेव करने के लिए, सेव फाइल करेंगे. यहाँ मेरा डाउनलोड प्रोग्रेस दिखा रहा है, सो डाउनलोड, ये मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया. उसके बाद फिर इस पर राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर करेंगे और मेरा फाइल जहाँ भी डाउनलोड हुआ है उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे. इंस्टॉल करना भी बहुत सिंपल है, बस जैसे बाकी सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही ये भी इंस्टॉल हो जाएगा. इसे इंस्टॉल कर लिए, यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू ये करना है, इंस्टॉल नहीं करना है इसे. व्यू रिलीज नोट्स नहीं, रन रिक्यूवा, इसे कर दीजिए क्लिक, तो आपका रिक्यूवा खुल जाएगा. ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मेरा यहाँ पे कुछ फाइल है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ. सबसे पहले डेटा नाम का मैं एक फोल्डर बनाता है, इसके अंदर मैं कुछ इमेज डाल देता हूँ. ये देखिए इसके अंदर मेरा कुछ फाइल है. ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर है, इसके अंदर ये मेरा फ्लावर्स का कुछ फाइल है. मान लीजिए गलती से मैंने डिलीट कर दिया, मैंने शिफ्ट डिलीट किया तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा. यहाँ पे क्या रहा है वार्निंग, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट 6 आइटम, यस मैंने कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा परमानेंटली डिलीट हो गया. आप अगर रिसाइकल व्यू में इसे देखिए तो ये नहीं मिलेगा. तो मान लीजिए मैंने ये सारा फोल्डर ही गलती से डिलीट कर दिया है. ठीक है, और ध्यान रखना होगा सबसे पहले कि ये कौन कहाँ से डिलीट हुआ है, मेरा एफ ड्राइव है. तो अब मेरा जो रिक्यूबा है उसमें हम ये खुला हुआ है टैब, इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है स्कैन, इस पर क्लिक करना होगा. लेकिन उसके पहले यहाँ ड्राइव सेलेक्ट करना होगा मुझे, यहाँ क्लिक करके और ड्राइव सेलेक्ट करना होगा. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जिससे हमको रिकवर करना है. तो मुझे किससे रिकवर करना था, मूवीज़ नाम का जो मेरा था उससे रिकवर करना है. उसके बाद फिर हम यहाँ क्या करेंगे, स्कैन कर देंगे. स्कैन पर क्लिक किए तो ये मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया. ठीक है, और मेरा जो पाथ है इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाकर कुछ कुछ आपको चेंज करना होगा. नहीं, अगर आपका चेंज नहीं किया होगा तो ये सारा लिस्ट में दिखा देगा. अगर आपको चेंज करना है, यहाँ एक आइकन है ऑप्शन का, बटन है ऑप्शन का, इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसमें बहुत सारा लिस्ट खुलेगा. आइए देखते हैं इसमें क्या लिस्ट है. ऑप्शन पर क्लिक किए, यहाँ पर व्यू है. व्यू मोड क्या करेंगे, अगर हम लिस्ट कर देंगे तो सारा लिस्ट दिखाएगा, ट्री करेंगे तो जैसे ट्री स्ट्रक्चर फाइल का था वैसे दिखाएगा, और थंबनेल कर देंगे तो बड़ा बड़ा आइकन के जैसा दिखाएगा. तो सबसे बेस्ट रहता है ट्री व्यू, ट्री व्यू रहेगा तो ऐसा आएगा. लेकिन अगर आप ट्री व्यू करते हैं तो फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप स्पेसिफिक पाथ में जा सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें डिलीटेड फाइल होता है. मेरा यूट्यूब नाम से था, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल रिकवरी के अंदर डेटा, ये है मेरा सारा इमेजेस. इससे क्या करेंगे, हम डायरेक्टरी को ही रिस्टोर कर लेंगे राइट, यहाँ पे करके. उसके बाद फिर यहाँ एक ऑप्शन है, ये रिकवर नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको क्लिक करना होगा. यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो ये क्या होगा, ये आपका पाथ में आएगा. यहाँ पे देखिए अगर जूम करते हैं तो
यहाँ पे ये पाथ मांग रहा है कि कहाँ आपको स्टोर करना है, तो आपको जहाँ भी स्टोर करना है वहाँ का पाथ दे दिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो पाथ नहीं देना है जिस ड्राइव से आपका फाइल डिलीट हुआ था, आपको कोई और पाथ देना है। तो मैं कोई और पाथ देता हूँ, ये मैंने एक यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया है, मैं ये पाथ दे देता हूँ, हो गया। अपग्रेड नहीं करना है, इस ये फ्री है इसलिए फ्री वाला ही यूज़ करना है। ओके कर देते हैं, और अगर उस पाथ को देखते हैं हम जहाँ मैंने डिलीट किया था, तो क्या वो आया है? ये है, यही पाथ दिया था मैंने, फाइल रिकवरी डेटा, ये देखिए जो मैंने सारा फाइल डिलीट किया था वो आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ कुछ फाइल रिकवर नहीं हो पाएगा, सारा फाइल रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये फाइल है, ये रिकवर नहीं हो पाया है, ये नहीं नहीं आ रहा है इसलिए, लेकिन आपका मैक्सिमम फाइल रिकवर हो जाएगा। इससे क्या है, कम से कम आपका कुछ तो फाइल रिकवर हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, आप फ्री में अपना बिना किसी पैसा वेस्ट किए डिलीटेड फाइल को, जो परमानेंटली डिलीट हो गया है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप से, उसे इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके रिक्यूवा, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बिना पैसा वेस्ट किए आप अपने परमानेंटली डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।